Hello guys, good morning everyone. I hope people you are getting benefits from my YouTube videos as well as from my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। हमेशा कोशिश करता हूँ एक जेन्युइन एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, प्लस जो प्रोसेसिंग टाइम है डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए कितना चेंज हुआ, जहाँ वो स्टेबल रहा, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन दी बेल आइकन, बिकॉज हमेशा कोशिश करता हूँ एक ट्रुथवर्थी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। किसी तरह की एप्लीकेशन आप हमारे साथ प्रोसेस करना चाहते हो, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट, आप पंजाब से हो, आउट ऑफ स्टेट हो, आप ऑनलाइन सर्विसेज हमारी ले सकते हो। हमारे नंबर्स यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, रीअप्लाई करना चाहते हो, SOP में कोई हेल्प चाहिए, हमारे नंबर्स यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इन दिनों कोचिंग इंस्टीट्यूट आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है जिसके कारण क्लोज है। IELTS की ऑनलाइन कोचिंग चाहिए, वी आर प्रोवाइडिंग 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस। तो गाइस सबसे पहले बात करनी है मेडिकल और जो वीज़ा एक्सपायर आ रहा है उस चीज़ के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर देखिए हमारा जो वीज़ा है, ठीक है, हमारा जो मेडिकल है हमने लास्ट ईयर जून को करवाया था, हमारा जून में जाके एक ईयर कंप्लीट होना है, हमारा मई के फर्स्ट वीक में एक ईयर कंप्लीट होना है, क्या हम ट्रैवल कर पाएंगे, हमारा वीज़ा ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, चाहे आपका मेडिकल एक्सपायर है चाहे आपका मेडिकल एक्सपायर नहीं है, आप प्लीज़ अपनी GCKey एक बार चेक कर लीजिए ट्रैवलिंग से पहले और टिकट बुक करने से पहले, बिकॉज जो टिकट है इन दिनों नॉन रिफंडेबल है और उसका प्राइस आप सभी को पता है कि एक पीक पर जा चुका है और जितने भी लोग वापस आ रहे हैं एयरपोर्ट से उनकी प्रॉब्लम आप देख सकते हो। तो मैं नहीं चाहता कि और कोई स्टूडेंट सेम सिनेरियो फेस करे। किसी ने भी अगर कनाडा ट्रैवल करना है पहले अपना GCKey अकाउंट चेक करें, अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है तो फाइन, अदरवाइज आपने रिस्पेक्टेड एजेंट से बात कीजिए कि वो आपको चेक करके दें कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड और इनवैलिड तो नहीं आ रहा। उसके बाद बात करूँगा एक और चीज़ की क्यूबिक के स्टूडेंट के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने बताया था कि कोविड के कारण आपके रिजल्ट डिले हो रहे हैं, कि जब कोविड ख़त्म होगा तो हम आपके रिजल्ट देंगे। तो गाइस आप सभी के साथ हमेशा स्टैंड किया है, उस दिन भी वहाँ पर थे, तो यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वीक में आपके लिए कोई ना कोई डिक्लेरेशन ज़रूर देंगे, लाइक कोई ट्वीट उनको डेफिनेटली देनी चाहिए। जैसे एक वेबिनार होने वाला है उन स्टूडेंट्स और वर्कर की हेल्प के लिए, वो वेबिनार करने वाले जैसे पहले कंटिन्यूसली वेबिनार होते थे, तो हो सकता है उस वेबिनार में आपके लिए कोई क्लैरिटी आ जाए। होप फॉर दी बेस्ट गाइज, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो अब बात करते हैं लेटेस्ट जो प्रोसेसिंग टाइम है। विजिटर वीज़ा वालों का 90 डेज है जो 100 डेज से कम हो चुका है। एक बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? बिकॉज पहले ये प्रोसेसिंग टाइम नियर अबाउट 200 डेज के करीब था। उसके बाद बात करूँ स्टडी परमिट की, 12 वीक एज इट इज स्टेबल है, बट PPR की स्पीड थोड़ी सी पहले से स्लो हो चुकी है। उसके पीछे रीजंस है, काफ़ी सारी प्रोविंसेस में कनाडा में जो लॉकडाउन इम्पोज हो गया है, राइट। ऑन्टारियो में जैसे ऑन्टारियो से काफ़ी सारे वीज़ास इशू किए जा रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे जो ऑफिसेस वगैरह क्लोज कर दिए गए हैं, तो ये एक मेन कारण रह सकता है कि PPR स्लो होने में। अनदर थिंग इज़ दैट वर्क परमिट वालों के रिजल्ट काफ़ी सारे डिले हो चुकी है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। इवन दो जैसे मार्च में PPR इशू हुई थी, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा था चाहे वो वर्क वीज़ा था, इस मंथ वो पेस हमको देखने को नहीं मिला। उसके पीछे का रीज़न जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप सभी को भी ये चीज़ पता है क्योंकि आपके स्पाउस वहाँ पर है, कि मेन रीज़न लॉकडाउन हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन काफ़ी सारी प्रोविंसेस में है। तो ये वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी कि अपना GCKey अकाउंट प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, चाहे आपने एक मंथ बाद जाना है लेकिन GCKey अकाउंट चेक करते रहिए, अपने एजेंट से बोलिए वो चेक करते रहे, क्योंकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट मिलनी है आपके प्रति वो अपने GCKey से ही मिलनी है। अगर आपने मेडिकल आपका एक्सपायर हो चुका है, करवा लिया है, ठीक है, आपको भी पता है जब आपने एप्लीकेशन पुटअप की थी तो कितने दिन मेडिकल अपडेट होने में लग जाते थे। तो ऐसे में देखिए जब आपने मेडिकल करवा लिया है, वेब फॉर्म से आपने वो अपडेट कर दिया, तो कैसे आपको पता लगेगा, ये सिनेरियो भी आपकी GCKey में ही आपको पता लगेगा, ठीक है। तो आप GCKey अकाउंट पर फोकस रखिए, अगर कुछ चेंजेस होगा वहाँ पर ही आपको पता लगेगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, प्लीज उसे भी ज्वाइन कीजिए। IELTS की कोचिंग में कोई हेल्प चाहिए, वी आर प्रोवाइडिंग 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस ऑल ओवर द ग्लोब। सो थैंक यू गाइस।